दूसरा जबूर खुदा का बरगुजीदा बादशाह। कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ। जमीन के बादशाह सफ आराई करके और हाकिम आपस में मशवरा करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। वो जो आसमान पर तख्त नशीन है हंसेगा, खुदावंद उनका मजाका उड़ाएगा। तब वो अपने गजब में उनसे कलाम करेगा और अपने कहरे शदीद में उनको परेशान कर देगा। मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस सयून पर बिठा चुका हूं, मैं उस फरमान को बयान करूंगा। खुदावंद ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मीरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मिल्कियत के लिए तुझे बख्शूंगा। तू उनको लोहे के असा से तोड़ेगा, कुम्हार के बर्तन की तरह तू उनको चकनाचूर कर डालेगा। बस अब ऐ बादशाहो दानिशमंद बनो, ऐ जमीन के अदालत करने वालों तरबियत पाओ, डरते हुए खुदावंद की इबादत करो, कांपते हुए खुशी मनाओ, बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ते में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गजब जल्द भड़कने को है। मुबारक है वो सब जिनका तवक्कुल उस पर है।